गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी चेक करना है दिए गए क्वेश्चन को आपको सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा। उससे जो ए मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा उसका डिटरमिनेंट निकाला जाएगा वैल्यू। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। आइए, दिया गया इक्वेशन आपका x+2y = 2x+3y = 3 है। इस इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज लिखें तो हमारा इक्वेशन होता है ax = b, जहां पर a क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स हैं, x और y के कोएफिशिएंट्स लिख दिए जाएंगे। a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1, y का 2, और इस इधर जो है सेकंड इक्वेशन का x का 2 और y का 3। और x जो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पर वेरिएबल x और y इस इक्वेशन में इस्तेमाल किए गए, वो x की वैल्यू कहलाएगी। और b का वैल्यू क्या कहलाएगा, जो दिए गए इक्वेशन की वैल्यू है यानी 2 और 3। ये हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर अब आपने देखा कि आपको एक मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गई और इससे इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू प्राप्त की जाएगी। आइए, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम प्राप्त करें तो 3-4 = -1 does not equal 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप जानते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है तो मैट्रिक्स ए इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हेंस गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। और यही आपको चेक करके बताना था। और इस प्रकार आपने जो है इसकी कंसिस्टेंसी चेक की। आइए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 2x - y = 5 एंड x + y = 4। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट -1, यहाँ x की कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, और x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर x, y, और b की वैल्यू यहाँ पर 5-4 है। यानी इस जो है लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि मैट्रिक्स a की वैल्यू 2-1, 1-1 है, और इससे हम डिटरमिनेंट a की वैल्यू प्राप्त करेंगे। डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2-1 यानी +1 हो जाएगा, 2+1 = 3, जो कि डज नॉट इक्वल है 0 के। आपने देखा कि ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिली, सो ए इज नॉन सिंगुलर और ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। और यही आपका जो है आंसर हो गया, यही आपको चेक करना था। अगर इसके बाद भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो कोई भी क्वेश्चन को आप इस प्रकार जो है उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा।